तालिबान के सुप्रीम नेता मुल्ला अखुंजादा की नई तस्वीर सामने आई, नई सरकार बनाने के लिए बैठक करते देखे अखुंजादा। तालिबानी नेता का इंटरव्यू करने वाली अफगानिस्तान की एंकर बहिश्ता ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है। बहिश्ता अरघंट अफगानिस्तान के प्राइवेट न्यूज चैनल तुलू न्यूज में काम करती थी। धमाके के बीच अमेरिकी सेना और चौकन्नी हो गई है क्योंकि उसे अगले 48 घंटे के भीतर काबुल एयरपोर्ट को खाली करना है। अमेरिका के 150 नागरिक अफगानिस्तान में अभी फंसे हैं। काबुल में ड्रोन हमले पर अमेरिकी सेना का बयान, कहा हमने आत्मरक्षा में आईएसआईएस खुरासान के आतंकियों पर एयर स्ट्राइक की, विस्फोटक से भरी कार को बनाया निशाना। अमेरिकी सेना के मुताबिक आत्मघाती हमलावर काबुल एयरपोर्ट पर ब्लास्ट की फिराक में आ रहे थे, सैन्य कार्रवाई से एयरपोर्ट पर बड़े हमले का खतरा टला। काबुल एयरपोर्ट पर 45,000 लोग मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर आत्मघाती हमलावर घटना को अंजाम देते तो बड़ा नुकसान हो सकता था। ड्रोन अटैक पर तालिबान ने माना, अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर सुसाइड बॉम्बर को निशाना बनाया। एयरपोर्ट पर धमाके के लिए जा रहे थे हमलावर। काबुल एयरपोर्ट के गेट से हटे अमेरिकी सैनिक, तालिबान प्रवक्ता ने कहा काबुल एयरपोर्ट पर नियंत्रण के लिए तैयार हैं, अमेरिका के इशारे का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक भारतीयों से अभी एयरपोर्ट आने से मना किया गया है। अफगानिस्तान में अभी भी 15 से 20 भारतीय फंसे हैं। एयरपोर्ट के हालात ठीक होते ही भारतीयों को जल्द लाया जाएगा। अफगानिस्तान संकट पर अमेरिका की ह्यूस्टन में प्रदर्शन, इंडो अमेरिकन ग्रुप ने अफगानिस्तान के हालात के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तालिबानी नेता मुल्ला हिब्तुल्ला अखुंजादा अफगानिस्तान पहुंच चुका है। तालिबान की सरकार बनाने को लेकर नेताओं के साथ बैठकों का दौर जारी। अफगानिस्तान में तालिबान का खौफनाक चेहरा, तालिबान ने एक अफगान लोक गायक फवाद अंद्राबी की गोली मारकर हत्या कर दी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने फोन पर बातचीत की है। चीन की अमेरिका से अपील, अफगानिस्तान से आतंकवाद खत्म करे। अफगानिस्तान के पूर्व उप विदेश मंत्री महमूद सेकल का पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के हवाले से बड़ा बयान, ट्विटर पर लिखा पाकिस्तान ने भारत से मुकाबले के लिए तालिबान को जन्म दिया था। महाराष्ट्र में मंदिर खुलवाने को लेकर बीजेपी का शंखनाद आंदोलन, बीजेपी विधायक राम कदम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नासिक में मंदिर खोलने को लेकर प्रदर्शन हुआ है, बीजेपी का आरोप सरकार बार खोल सकती है तो मंदिर क्यों नहीं खोल सकती, हिंदुओं के साथ अन्याय है। मंदिर खोलने को लेकर पूरे महाराष्ट्र में मंदिरों के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है, कहा कोविड प्रोटोकॉल के तहत भीड़ करने की इजाजत नहीं। पुणे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के नेतृत्व में कस्बा पेट गणपति मंदिर के बाहर आंदोलन किया गया, प्रदर्शनकारियों ने शंख बजाए, नारेबाजी की गई। औरंगाबाद के गजानन मंदिर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, मंदिर खोलने की मांग को लेकर विरोध। महाराष्ट्र में कोरोना के चलते दही हांडी उत्सव न कराने का फैसला, बीजेपी किसी भी कीमत पर उत्सव मनाने पर अड़ी है। दही हांडी पर मनाही के बाद थाने में एमिनिस के जिलाध्यक्ष अविनाश जाधव हड़ताल पर बैठ गए, पुलिस ने हिरासत में लिया। पंजाब में नहीं सुलझ रहा कांग्रेस का झगड़ा, अब सिद्धू ने बिजली के मुद्दे पर विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की है, चुनाव में कैप्टन के चेहरे को लेकर परगट सिंह ने उठाया सवाल। फिर उछला सीएम नीतीश कुमार में पीएम मटेरियल का मुद्दा, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह बोले नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण हैं। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी का बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार नहीं हैं, हम एनडीए में हैं, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार में पीएम पद की सारी योग्यताएं हैं। जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार के पीएम मटेरियल वाले मामले को खुद नीतीश ने खारिज कर दिया, बोले ऐसी कोई इच्छा नहीं है, मैं तो अपना काम करता हूं।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।